लो जी, इधर नाश्ते च बन रहे ने आलू दे परौंठे गरम गरम। अज जी मक्खन ते चाह नाल ही छकांगे, दही वगैरह नहीं लेंदे। शुपिंदर जी खा रहे ने, मैं फड़ा के आउनी आ। हेलो जी, बेमौसम मीह आ गया। अज संगरांद है जी, ऐतवार का दिन है ते बहुत ज्यादा मीह आ गया, जबकि मीह की हजे लोड़ नहीं आ। देखो अंजीरी वड्डी सी, हुण ट्रैली भरी खड़ी आ। एक ट्रैली उधर शैड वाले लाई हुई है जी, बाकी जीरी तो खड़ी है। थोड़ी दस्से भी थोड़ी थोड़ी करके एक एक ट्रैली करके वढ़ रहे हैं। तो हुण मीह की बिल्कुल लोड़ नहीं सी जी, फसलां पक्कियां पईयां ने। फिर भी चलो रब दे रंग ने, वाहिगुरू नूं जो मंजूर है उहने करना है। अगे उत्थे ट्रैली खड़ी हुंदी है सोहणी, भरिया जिहा हुंदा। देखो ट्रैली इक उधर शैड वाले भरी खड़ी है, दस्से भी इत्थे खाली खाली जिहा लग रिहा। आ देखो जी, दिसदा होणा तुहानूं मीह पैंदा। आजा आजा, कुत्ती भज्जी आउंदी है, भिज गई बेचारी। ट्रैली थल्ले बड़न, उधर शैड वाले चल, उधर शैड वाले चल, शैड वाले। आ देखो जी, बाबा जी संगरान दा भोग पा रहे ने। हेलो जी, आदविंदर ने सिर नड़ाता ते हजे बन्नियों बैठा सिर। हाँ आदविंदर बाहर ना जाई, वो तो बहुत मीह पै रहा है, फिर गर्म सर्द हो जाएगा। चंगा, जी, हाँ बाहर ना जाई, चंगा फिर गर्म सर्द हो जाएगा। ठीक है, हाँ अंदर इस घाली इन्हें बन्नी रख। ठीक है। ने बत्ते गिंडे में सी, उसने झाड़ू भी लाता। जब तू अंदर भेजे थी, महा कणिया पै जाएगी उदो लाता। पता की है, जो मीह पै जाता ना, फिर वो धरती की मिट्टी जी दब जाती है। ता करके महा चल हूँ मोटा मोटा जहा सुंबर दा, सारे पत्ते कट्ठे करते जी। आपने वो तक ढेरिया लातियां, आ इन्ने क रह गए इधर, उधर भी वो ढेरी लाती, सारे सुंबरिया गया। पता नहीं माड़ी जी हवा आँदी है, जद झड़ जाते हैं है ना, किन्ना कट्ठा हो गया सी ना सुना दे। पेड़ तो झाड़ू दा हाँ, पेड़ तो ही झड़ जाते ने। लो जी, राजपुरे का मशहूर पनीर टिक्का। पनीर टिक्का स्वाद, इन्नी तिखी ना, प्योर पूरी लाल मिर्च है। बस सीसी कराने अखा चो पानी कड़ दिंदी है, बिल्कुल लाल मिर्च पीसी हुई है बिल्कुल। ये भी ना इन्ना ज्यादा तिखा होंदा है, बस बस करवा दिंदा है। तैनूं बहुत बार कहा भी भाई इन्नी मिर्च ना पाया करो, फिर भी ना वो पाउंदे जरूर ने मिर्च। सब्जी च माड़ी जी घट हो गई, नीरी लाल मिर्च दिंदा, कहिंदा नाल पाओ ते सारे। मैं तां मिर्च बहुत घट पाउनी आ, सारे इन्नी तिखी मिर्च खांदे ने ना, बस गल्लां ही छड्ड दो। नीरी मिर्च पीसी हुंदी है जां तां कल्ली, ते इह पनीर दी सब्जी हुंदी है नाल, ते सारा कुछ आपां तां गर्म गर्म छकदे आं जी। होर आपणा बाद च छकण गए, अज मैं पहलां छकण लगी आं, क्योंकि मैनूं तां इहो जिहा गर्म गर्म खावां। ते तुसीं वी छको जी, साडे राजपुरे दा इक्को ही दुकान है जी, उत्थे पता नहीं की नाम है भाई दा, तां पर इक्को ही दुकान ते बनता है राजपुरी टिक्का, जेड़ा मशहूर है। वो बनता तो काफी जगह होना। लो जी, डब्बी च भी खासी सब्जी आ जाए। देखो डोंगा जहा भर गया, ये ना फ्राई करके बनाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है ये। जो मसाला जहा बनाते ना, इन्हों ढंग है बनाने का। चलो जी, आपां तां सब तो पहला छक लिया। लो जी, पुष्पिंदर जी का यह फेवरेट है,
पनीर टिक्का। आपां तां अज कत्तक पनीर टिक्के नाल बनाया बनाया जी, तुसी भी दस्सियो तुसी कत्तक किवें बनाया। घट पायो तिखा बहुत, मिर्च है निरी बस बस, जे जरूरत पई अलग तो ला लियो। हाँ फिर थोड़ी फेवरेट है। चलो जी, रोज तो नहीं बाहर का चंगा लगता पर कदे कदे तो वधिया लगता है। चलो ठीक है जी, फिर तुसी भी छको पुष्पिंदर जी नाल पनीर टिक्का। लो जी, मौसम जिहा जिहा मर्जी होवे, जिहड़े कपड़े कुपड़े धोने पैंदे ने इकट्ठे हो जांदे ने, फिर चलो हवा जी निकल जू फिर आपां अंदर पा देंगे जे ना मौसम ठीक होया। हाँ जी, अज सीगा पवित्र संग्राम दा दिहाड़ा जी, कत्तक दी संग्राम दा। ते संग्रांद हर देसी महीना हर महीने 31 दिन बाद आउंदा जी, कई बार 28 30 31 एक महीने बाद देसी महीना आउंदा, जिवें अंग्रेजी आउंदे ने जनवरी फरवरी। एवें कत्तक ज्यादा मशहूर क्यों है, इहदे विच ना जी मतलब कम ज्यादा छिड़िया हुंदा कत्तक दे विच। जिवें हुण जीरियां खड़ियां ने ते अद्धियां जीरियां वढ लईआं आपां ने, अद्धियां खड़ियां ने जी, जिहड़ी जीरी वढ ली उहदी रौणी करनी हुंदी है ते उस तों बाद उहदे च कणक बीजणी हुंदी है। ਜਿਹੜੀ ਜੀਰੀ ਖੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਜੀਰੀ 'ਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਸ 'ਚ ਰੌਣੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਕੱਤਕ ਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਗੇਤੀ ਬੀਜ ਦਿਓ ਪਛੇਤੀ, ਇਸ ਮੰਥਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਭੋਲੇ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੌਲਾ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਹਿਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਐਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਦਾ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਜ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਵਹਿਮ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਹਿਮ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਜੀਰੀ ਵੱਢ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੰਮ ਛਿੜ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਛਕਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ। ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਈ ਚਾਟ, ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੇਬ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ।